रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में मौत के मांझे को लेकर होने वाली जानलेवा वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इलाहाबाद में चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें, युवक की गर्दन कट गई है और शहर के स्कोन मंदिर के इस सेवादार को मांझे ने उस समय अपना शिकार बनाया जब वो बाजार से मंदिर वापस लौट रहा था। सेवादार को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है कि क्या सरकार ने इसको लेकर कोई नीति बनाई है या नहीं। चाइनीज मांझे के इस कहर से आए दिन लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। इलाहाबाद में 24 सितंबर को गौरव नाम के युवक की इसी मांझे से मौत हो गई थी। 25 सितंबर को शहर के करेली इलाके में एक स्टूडेंट आरिस की गर्दन कट गई, तो वहीं 27 को करेली के ही एक और युवक फैजान की गर्दन भी चाइनीज मांझे ने काट दी थी। ये एक दुखद घटना है और ये बहुत बहुत क्षति है और प्रशासन को चाहिए कि इस पर तुरंत बैन लगे। अभी कुछ दिन पहले भी एक लड़की की नैनी पुल पर इससे कट के उसकी तो मृत्यु ही हो गई। उसका जीवन और होना था पर असमय उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रशासन को बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए और इस पर तुरंत बैन लगाना चाहिए।